तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। अब देखो यार, ये वाला जो गेम प्ले है, मैं बिल्कुल सेवो की वीडियो देखने के बाद खेल रहा था। अब पता नहीं यार तुम उसे कैसे प्रोनाउंस करते होगे, लेकिन हम टेक सेंटर उतरे तो भाई वो क्या ही गजब का खेलता है। उसको देख के मेरे अंदर एक आग जली। अब चाहे ये वो वाली आग नहीं है भाई, अब मुझे उतरते ही AKM और यूज ही मिल जाती है। और यार अगर हॉट ड्रॉप पे तुम्हें AKM और यूज ही मिल जाए, वो भी क्लोज रेंज गन्स, ऑब्वियस सी बात है ये क्लोज रेंज गन्स है, तो भाई क्या ही बात। लेकिन इस हॉट ड्रॉप पे ज्यादा बंदे नहीं, सिर्फ एक स्क्वाड आई थी जिसको हम बहुत आराम से संभालेंगे। अब इस बंदे को हल्का सा डैमेज होता है, और यार ये वाला गेम प्ले तुम पूरा देखना भाई, क्योंकि फ्लैंक मारना और MG3 भाई गलत ही कॉम्बिनेशन है भाई। अब मैं हल्का सा प्री फायर देता हूँ जिससे थोड़ा बहुत आता है बंदा, लेकिन सेकंड प्री फायर में बिल्कुल नहीं आता। और यार ये वाला गेम प्ले मैं तुम्हें पूरा देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार तुम इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने वाले हो, और ये पक्की बात है भाई। अब इस बंदे को काफ़ी मैं पहले लिट कर चुका था, तो डैमेज दे के मैं बहुत आराम से इसे नॉक कर देता हूँ। ऑब्वियस बात है भाई, डैमेज देकर ही नॉक किया जाता है। अब यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि यार ऊपर जाएंगे, थोड़ा एंगल वेंगल लेंगे तो बंदे को नॉक कर देंगे। पर यार इस जो इसे तुम लिफ्ट कह लो, पता नहीं तुम इसे क्या कहते हो, बिगाड़ दिया काम। स्वागत नहीं करोगे आप हमारे? थैंक गॉड भाई उसे उसकी गोली से नॉक नहीं हुआ। अगर उसे पता चलता ना कि मैं अगर उसके फायर से नॉक हुआ हूँ, तो वो सीधा जंप करता और रश कर देता। अब मेरे को हील वील मिल जाती है, मतलब रिवाइव विवाइव सब मिल जाता है। अब मैं इस लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने लिए। अब मैं इस लिफ्ट पे चढ़ता हूँ, ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाता और आवाज़ करता और सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करता, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दूसरी साइड से आ रहे हैं। अब दो बंदे इधर से जाएंगे और दो बंदे उधर से जाएंगे, हालांकि ये रैंडम था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बात मान रहे हैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ और मुझे लगा अभी भी वो टॉप पर है, पर ऐसा नहीं था। अब एक बंदे को मेरा टीममेट खा चुका था, दूसरी साइड से आ रहा था, इसके हाथ में शॉटगन थी। तभी मैं बच भी गया क्योंकि मैं थोड़ा दूर भी था। अब इसका दूसरा टीममेट आता है, दोनों एक साथ आते हैं। अब यहां पर तो मैं थोड़ा जिगल के कारण नहीं दे पाता उसे, और शायद यहां पर मेरी पूरी लोडिंग नहीं हुई, रिलोड नहीं हुआ, लेकिन हमने इस वाली स्क्वाड को पूरा संभाल लिया। अब यहां पे नंबर दो का बलिदान जाया नहीं जाएगा, मुझे पता है मैं आगे चल के चिकन दिलाऊंगा, पर अगर वो इस मैच को पूरा देखे तब। अब मेरे को एक एरो दिखता है, मतलब सिंबल दिखता है बंदे का, और तभी बाप को भेज, तेरे बस की बात। गजब बेइज्जती। अब इस बंदे पे मैं फायर करता और बहुत ज्यादा बेइज्जती कर ली, तो इस बंदे को मैं पूरा नॉक कर देता हूँ। मुझे लगा यार कंटेंट नहीं बन पाएगा, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि यार इसको रिवाइव होने देंगे, इसके टीममेट को आने दो, मजे लेंगे। पर देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। पर मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, पता नहीं ये नंबर चार कौन से स्टाइल में था, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बाबूराव का स्टाइल है। अब जैसे इस नंबर चार ने इस बंदे को मार दिया, अब कोई चारा नहीं था। आगे एक हॉट ड्रॉप थी, और सॉरी एक ड्रॉप थी, और उसमें भाई एक MG3 थी, और भाई MG3 एक बीस्ट गन है, तुम्हें पता चलने वाला है। अब इस बंदे को भाई मैं नंबर एक से यही दरख्वास्त करूँगा, भाई अंदर हो जा, नहीं तो तू बाहर हो जाएगा। अब जैसे ही अंदर होता है, मैं पीछे की साइड रोकता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, क्योंकि अगर हम सामने सामने की फ़ाइट लेते तो मे भी चांसेस होता है कि वो एक गाड़ी से उतार देता और फिर एक प्रेशर हम ही पर बनता। अब नंबर चार को बोलता हूँ कि भाई यार उधर से भी आ जा, तो कहीं ना कहीं वो तेरे पे फायर करेगा, और यार अब तुम देखने वाले हो MG3 भाई क्या ही गन है भाई। भाई गजब चलती है भाई MG3। इवन भाई ASM पता नहीं क्या कहते हैं, ASM अबाकन, उसका भाई रिकॉइल टट्टी है भाई, छी भाई, उस गन को चलाने का मन भी नहीं करता, लेकिन ASM में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर जो इस बंदे को देखना भाई, ये जो बंदा इतना ज़्यादा उछल रहा है, ये नंबर एक पता नहीं बात बात पे क्यों बाहर उतर जाता है, बाहर जाने लग जाता है। ये एक बार बाहर होगा तो बढ़िया ही होगा।
अब यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि उस बंदे से हम फाइट लेने से पहले बूस्ट करेंगे, क्योंकि यार बूस्ट करने से तुम्हें पता ही है स्पीड तो तेज होती है और किसे पता कि यार वहाँ कितने बंदे हो। तो मैं यहाँ पे प्लान बनाता हूँ कि यहाँ पे हम पहले करेंगे यहाँ पे बूस्ट वूस्ट करेंगे, और अगर एक आध बंदा एक्स्ट्रा होगा तो उसे नॉक करके सीधा रश करेंगे। पर कुछ अलग ही सीन होने वाला है भाई, बस तुम देखते जाओ। अब इसका तो धूम हमने मचा दिया। और एमजी भाई, अगर इसमें मज़ा आया हो ना तो यार एक बार लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि यार अब उस वाले बंदे पर रश करेंगे। तो हमारी गाड़ी टायर पंचर थी पर ये नहीं पता, तो हम पैदल ही रश कर देते हैं। अब बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे थे। मुझे नहीं पता था मैं इतना सीरियसली क्यों ले रहा था। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पहले एक नेड करूँगा, लेकिन उससे पहले हम एक बूस्ट लगा लेंगे, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है बूस्ट का क्या ही फ़ायदा होता है। मेरे दोस्त ने मौली कर दी थी और मैं एक नेड कर देता हूँ। और भाई जब मैंने ये देखा ना, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई नेड अंदर तो गया लेकिन बाहर आ गया, पता नहीं ये एनिमेशन क्या थी, लेकिन सब कुछ ठीक ही होता है। बंदा नेड से मर जाता है, पता नहीं वो क्या था, मेरे को समझ नहीं आया। अब जो भी हो, मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी जिसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है इस बात की कि यार तुम यहाँ तक देख रहे होगे। अगर तुम देख रहे हो तो यस आई एम वॉचिंग टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में, जो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब यहाँ पे मैं फ्लैंक मारने की कोशिश करता हूँ, और फ्लैंक मारना यार, वो स्क्वाड हमारे सामने थी और हम फ्लैंक मार के कब उनके पीछे आ गए ये पता भी नहीं चला। और चार नंबर को मैंने कहा था कि वहाँ डिस्ट्रैक्ट करिए उन्हें, और उसके साथ बहुत गलत सीन हो जाता है। इस बात को जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब मुझे ठीक ठाक एंगल मिल जाता, अब तुम बस देखते जाओ भाई। इस बंदे को नॉक करता हूँ, पहले डिसाइड था इसको फिनिश करूंगा, पर जब पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो रही है तो भाई काय को वेस्ट करना किसी और पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ भाई, मैंने सोचा कि चलो भाई अब क्लच तो हो ही गया, और इतने में नंबर एक भाई सच बता रहा हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था, लेकिन इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं है। चलो कोई नहीं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, अब यहाँ पर मैं गाड़ी लेने की सोचता हूँ, क्योंकि अब ऑल डेड तो हो ही चुका था, मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था। और जैसे ही मैं गाड़ी लेता हूँ मुझे एक बंदा शो हो जाता है। देखो भाई, किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया ना और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आगे इस वाले क्लच में देख कर तुम पक्का लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे। अब इस बंदे को मैं स्प्रे से डाउन करने वाला, अब तुम एक गॉड लाइक प्रॉन एंड शूट देखने वाले हो, बस तुम देखते जाओ। अब MG3 से मैं अलग सा डैमेज देता हूँ, पता नहीं उससे कुछ हुआ भी होगा कि नहीं, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस बंदे पर था और मेरा जो दोस्त था वो DP से चमका रहा था। Watch out! अगर तुम्हें ये प्रॉन एंड शूट अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे पता है यार तुम्हें पसंद आया होगा ये। अब यहाँ पर मैं एक गलती कर देता हूँ, मैं थोड़ा जोन के बाहर चेक करता हूँ कि बंदा है कि नहीं, लेकिन बंदा इस स्क्वाड हाउस में होता है। अगर ये मोली मैंने ढंग से फेंकी होती ना तो बंदा इसी मोली से मर गया होता, खामखा की इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बंदा ऊपर था, मेरा दोस्त एक नेट करता है भाई, नेट से तो पूरे के पूरे कांच ही फूट जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था और मैं सीधा लेके रश कर देता हूँ, क्योंकि हाथ में MG3 भी थी और तो ईजी हो जाता है। और तो यही था आज की गेम प्ले में, होप यार तुम्हें पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय।